ओम। आइए सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ये इस प्रकार से आप सुखासन में पद्मासन में जैसे स्थिति बैठना चाहें आप बैठ जाए और ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले ओ देखना है और करना है, ये उष्ट्रासन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अर्धचंद्रासन, दोनों हाथों पर जाएंगे और पहले टखने पकड़ेंगे, इसमें हमें कमर को ढीले छोड़ देंगे पीछे की तरफ, ये उष्ट्रासन कहलाता है। फिर से देखें, मैं फिर से कर रहा हूं, कमर दर्द के लिए, ठीक है। हाथ बाजू से लेते हैं नीचे और अब देखिए, एक कमर दर्द के दो अभ्यास मैंने आपको बताए। इसके पश्चात में आप कमर दर्द के लिए अब लेट जाइए, लेट गए, हाथों को बाजू में ले लीजिए और अर्ध मर्कट आसन करेंगे। एक बाएं तरफ दाई और दो, बीच में तीन, बाई और इसी क्रिया को दोहराते हैं, चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। अब दोनों पैरों के बीच में 100 फीट का अंतर बनाएंगे और इसी क्रिया को दोहराना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है। ये अर्धमान कटा सकते दोनों को जब हमने की इसको, ठीक है। अब इसके बाद साथ में पैर के टखने पकड़ेंगे इस प्रकार से और कमर को ऊपर उठा देंगे, ठीक है। ये पंद्रह आसन कहलाता है, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। डाउन एक बार पुनः, अप डाउन अप डाउन। इसके पश्चात पर हम कराते सेतु बंधासन, कमर दर्द के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ये
कमर के नीचे हमने हाथ लगाए और पैरों को धीरे 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 हमने खूब लंबा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। ये कहता है सेतु बंधनासन कमर के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके पश्चात में हम अगला प्राणायाम करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये पेट के बल लेट जाते हैं और मकरासन में लेटते हैं, पैर फैले हुए, पंजे बाहर की तरफ निकले हुए और दाढ़ी को हाथों के ऊपर रख देते हैं। ये मकरासन कहलाता है। इसमें यही पर से हम आपको सीधा करके हम लंबी सांस लेते हुए देखिए डाउन 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 लंबी सांस लेते हुए उसके पश्चात में दूसरे पैर के पंजे को देखते हुए और थोड़ी सी निभा बाद में पैर के पंजे मिला लेते हैं और भुजंगासन करते हैं। ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, पैर के पंजों को पकड़ते हैं। धनुरासन, धनुरासन पूरी तरह शरीर को फेर देते हैं। डाउन डाउन और बाई कर उठ लेते हैं और उठ करके बैठ जाते हैं, ठीक है। ये कमर दर्द के लिए संपूर्ण व्यायाम मैंने आपको बता दिया है। आपको पहले देखना है, सुनना है, समझना है और उसके बाद में इसको करना है। प्रत्येक अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार आपको करना, 8 से 10 बार, 12 बार भी अगर ज़्यादा भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और कम से कम 8 से 10 बार आपको प्रत्येक अभ्यास को आपको करना है। निश्चित तौर पर आपके कमर दर्द में बहुत अधिक सुधार आएगा, दर्द में आपको आराम मिलेगा और धीरे धीरे यह दर्द हमेशा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के योगा में इतना ही। ओम।